एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीज ब्यूटी हैक्स। आज के वीडियो में हम सर्दियों के लिए होममेड क्रीम बनाने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। हमारा पहला इंग्रेडिएंट होने वाला है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल के बहुत सारे बेनिफिट हैं हमारी स्किन के लिए। मैंने यहाँ पे मार्केट वाला ही एलोवेरा जेल लिया है, क्योंकि अगर आप घर वाला लेंगे तो आप क्रीम को लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर मैंने 3 चम्मच लगभग एलोवेरा जेल लिया है। अगर आपको ज़्यादा बनानी है तो आप ज़्यादा एलोवेरा जेल ले सकते हैं, कम बनानी है तो कम ले सकते हैं। इसके बाद मेरा सेकंड इंग्रेडिएंट होने वाला है शिया बटर। शिया बटर से आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी। यहाँ पे मैं 1 चम्मच ही ले रही हूँ। अगर आप ज़्यादा शिया बटर मिला देंगे तो आपकी क्रीम चिपचिपाहट वाली रहेगी, ज़्यादा चिपचिपाहट अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर मैंने 1 छोटी चम्मच ही शिया बटर मिलाया है। आप चाहो तो कोका बटर, मैंगो बटर मिला सकते हैं। इसके बाद मैंने लिया है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल मुझे काफ़ी पसंद है, ये काफ़ी लाइट रहता है आपकी स्किन पे। तो इसकी कुछ ड्रॉप्स हम इसमें मिला लेंगे। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप आमंड ऑयल की कुछ ड्रॉप्स मिला सकते हैं, कोकोनट ऑयल की मिला सकते हैं, या फिर कोई भी आपका फेवरेट स्किन ऑयल हो आप उसकी ड्रॉप्स मिला सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें हल्का सा बीस वैक्स मिलाऊंगी, ताकि हमारे एक क्रीम फॉर्म बन जाए, थोड़ी सी सॉलिड फॉर्म बन जाए क्रीम की। बहुत ही हल्का सा बीस वैक्स मिलाना है। अगर आप ज़्यादा मिलाएंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में हो जाएगी, इसलिए हल्का सा बीस वैक्स आप इसमें मिला लें। तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही छोटी सी चम्मच बीस वैक्स इसमें मिलाया है। आप चाहें तो ये स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप थोड़ा सॉलिड फॉर्म में क्रीम को रखें। इसके बाद मेरे पास है ये लेवेंडर एसेंशियल ऑयल। आपके पास कोई सा भी हो आप मिला सकते हैं, नहीं हो तो स्किप कर सकते हैं, ये बस आपको एक अच्छी सी प्रेफरेंस देगा। तो यहाँ पे कुछ ड्रॉप्स मैंने इसकी मिलाई हैं। इसके बाद मैंने मिलाया है 1 विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई भी हमारी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये सब इंग्रेडिएंट थे जो मैंने क्रीम में मिलाए हैं। अगर आपके पास इनमें से कुछ नहीं है एक दो इंग्रेडिएंट, तो आप वो स्किप कर सकते हैं, या फिर उनकी जगह कोई सिमिलर इंग्रेडिएंट काम में ले सकते हैं। तो इन सबको हम मिला लेंगे और हमारी एक परफेक्ट विंटर क्रीम तैयार हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि हमें तो भाई पतली वाली क्रीम चाहिए, थिक क्रीम नहीं चाहिए, तो आप इसमें गुलाब जल मिला सकते हैं और फिर अच्छे से मिला लें। तो थिक और थिन दोनों टाइप की क्रीम मैंने आपको बता दी है, आपको जो अच्छी लगे आप बना सकते हैं। और सर्दियों में पूरी सर्दी आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी, आपको बिल्कुल भी रफ़ और ड्राई नहीं लगेगा। साथ ही में ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो कि नेचुरल हैं, आपकी स्किन पे अच्छे से काम करेंगे। तो आई होप आपको ये क्रीम पसंद आई होगी। मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना आप और कोई टाइप की क्रीम चाहते हैं, लोशन चाहते हैं, या कुछ और DIY चाहते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाऊं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, ताकि आप जुड़े रहें।